Hello friends, so the speculation that whether or not GST would be coming from 1st of July, that has gone. वो अब नहीं, कोई ऐसी speculation नहीं रह गई है. Now we all agree कि we like it or we don't like it. Now we have to be with GST. And let's start the journey with a very positive note. Yes, in the first place, we have to prepare ourselves that our business should go on. सबसे पहले हमारी priority होनी चाहिए कि हमारी billing start हो जाए. जो नए formats, invoices के हैं, most of the organizations, they have been able to tackle that. और नहीं होगा तो एक दो दिन में मुझे लगता है कि सारी organization उसको कर पाएंगी. Now, first of all, we would like to thank our users for the tremendous response we have got for our web GST software, and which is pushing us to working even more harder for the larger benefit of our users. Now, in this session, we would be discussing ki baat kehte hain ki GST is now goods and simple tax. Kuch log iske saath agree karenge. और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसे एग्री नहीं करेंगे. कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं. नाउ वी हैव टू सी कि अभी तक हम सिंपल अकाउंटिंग की बात करते थे, बट अब सिंपल के साथ हमें डिसिप्लिन अकाउंटिंग की तरफ भी जाने की बहुत ज़रूरत है. आज हम टैली के साथ देखेंगे कि टैली में क्या क्या फीचर्स हम लोग यूज़ करते आए हैं, और अल्टीमेटली जब डेटा मूव करेगा टू वेब GST सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सब जानते हैं कि गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टैली में हम लोग कैसे एंट्रीज आज तक करते आ रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या आएगा. अब यहाँ पर हमने डिफरेंट पैरामीटर्स को देखा है. मैं एक एक करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. वी ऑल नो कि वेन एवर वी डू एनी एंट्रीज इन टैली, और ज़्यादातर लोग ऑटो नंबरिंग यूज करते हैं, और हम कभी भी जाकर बैक डेट में कोई एंट्रीज डाल देते हैं, अब वो नहीं चलने वाला है. वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. हम ये नहीं कर सकते कि आज मैं से आई हैव बिल्ड टिल 15th ऑफ जुलाई एंड आई गो बैक टू 1st ऑफ जुलाई एंड आई पंच अबाउट ऑन 1st ऑफ जुलाई. आपको पता है कि सब्सिक्वेंट वाउचर्स जितने भी होते हैं टैली में वो रीनंबर हो जाते हैं. तो इसके लिए वेबटेल क्या ऑफर कर रहा है. First of all, Viptel has actually built additional utilities on Tally. उसकी functionality एक एक करके मैं आपके साथ discuss कर लेता हूँ. Say for example, अब सबसे पहले हम ये check करते हैं. If we go in vouchers and I say I want to say enter any voucher, sales voucher specially, क्योंकि मैं sales invoicing कर रहा हूँ, and if I say I go to 1st of July and I want to enter any voucher, so it is prompting me a error that backdated sales voucher not allowed. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक बार कोई voucher या कोई bill किसी client को दे दिया, वो उसको अपनी purchases में book कर लेगा, और subsequently अगर हम knowingly और unknowingly अगर कोई sales invoice punch कर देते हैं and tally is going to renumber every single voucher after that date, तो क्या होगा, जितने भी सेल्स वाउचर्स एंटर्ड होंगे या जो भी आपने सेल्स इनवॉइसेस रेज किए होंगे अपनी बुक्स में, वो सब के सब आपकी काउंटर पार्टीज को के लिए मिसमैच बन जाएंगे, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. सो वी हैव पुट इन चेक देयर कि बैक डेटेड वाउचर्स आर नॉट अलाउड. नाउ आफ्टर बैक डेटेड एंट्रीज, तो नेक्स्ट सिनेरियो है उसमें ही होता है. कई बार जब हम एंट्री कर रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे अभी हम ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर सेल्स इनवॉइस नंबर 70 तक हम रेज कर चुके हैं, और अगर हम बैक जाके देखते हैं, से फॉर एग्जांपल सो वी हैव गॉट दिस 68 नंबर वाउचर. अब अगर किसी वजह से मुझे लगता है कि ये वाउचर गलत है and I say I want to delete it, तो जल्दी हम alt d से इसको डिलीट करते हैं. तो अगर अब आप यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं तो आपको एक मैसेज प्रॉम्प्ट हुआ कि डिलीशन ऑफ द वाउचर्स आर डिसेबल्ड, दिस वाउचर विल बी कैंसल्ड. इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने देखा कि 70 तक तो अभी हम कर चुके थे. आई से यस,
और ये एक वाउचर हमारा कैंसिल हो गया, राइट। जब हम इसको वापस मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बाकी वाउचर्स हैं मेरे वो इंटैक्ट है, यानी कि जो मेरा सीक्वेंस है, यानी कि 70 नंबर जो मेरा सेल्स इनवॉइस था वो अभी भी इंटैक्ट है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप हम इसको डिलीशन अलाउ कर देंगे तो जितने भी सब्सिक्वेंट इनवॉइसेस मैंने रेज किए हैं और मैं अपनी पार्टीज को दे चुका हो सकता हूं और उन्होंने अपनी परचेजेस में बुक कर लिए होंगे, उस केस में वो सारे वाउचर्स मेरे रीनंबर हो जाएंगे और जब वो वेबसाइट से GSTN से अपना डेटा डाउनलोड करेंगे उस केस पे मिसमैचेस आएंगे और मुझे नहीं लगता कि वो किसी के लिए भी बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी। इसके बाद हम और आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शनैलिटी इज कि मान लेते हैं कि अगर आप कोई पेमेंट की वाउचर पोस्ट कर रहे हैं, वहां पर आप जाकर आपने बोला कैश से मैंने किसी को रेंट की पेमेंट की है से फॉर 10,000 rupees एंड आई से कि इसके ऊपर मैंने IGST की पेमेंट भी की है, यानी कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आ रहा है से फॉर 1,800 rupees। अब यहां पर आपको सॉफ्टवेयर एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है, इन ऑर्डर टू अवेल द टैक्स क्रेडिट प्लीज पोस्ट दिस एंट्री थ्रू जनरल वाउचर और परचेजेस। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर किसी भी पार्टी को हमने क्रेडिट नहीं किया है और जब तक कोई पार्टी का मुझे पता नहीं होगा तो आगे मैचिंग में मुझे प्रॉब्लम आएगी। नाउ लेट्स लुक फॉर सम अदर फीचर्स विच वी हैव प्रोवाइडेड एन विप्टल GST एड ऑन टू टैली, कैसे ये काम करते हैं। नाउ इफ यू गो टू द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज विप्टल GST कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा। वी हैव गॉट टैक्स लेजर्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लेजर फॉर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज। उसके बाद इनपुट टैक्स लेजर फॉर रिवर्स चार्ज एंड रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी ऑफ लेजर्स। यहाँ कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर जो अभी हमने फंक्शनैलिटी देखी है कि ब्लॉक बैकडेटेड वाउचर्स इन सेल्स, यस किया हुआ है मैंने। ब्लॉक डिलीशन ऑफ सेल्स वाउचर, यस किया हुआ है, जहाँ पर हमने बात की थी कि ये कैंसल्ड वाउचर ट्रीट होगा। और आस्क इनवॉइस नंबर एंड डेट इन जनरल वाउचर्स, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस जिसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए थ्रू दी जनरल वाउचर, वहाँ पर भी आपको काउंटर पार्टी का इनवॉइस नंबर और उसकी डेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। और रिवर्स चार्ज इनवॉइस क्रिएट करना है यानी किया, उसके लिए येस नो आ गया। एंड अलाउ इनवॉइस नंबर एंड डेट इन परचेजेस, जहाँ पर हम इसको कंपलसरी कर दें, क्योंकि अगर काउंटर पार्टी का इनवॉइस नंबर नहीं होगा और उसकी डेट नहीं होगी तो बाद में सब्सिक्वेंट मैचिंग में हमें प्रॉब्लम होगी। तो डिसिप्लिन अकाउंटिंग के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो मैंने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट लाइबिलिटीज डिफाइन किए हैं, इसका क्या फ़ायदा है, लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई सेल्स वाउचर, अगर वाउचर में जाते हैं और हम कोई भी सेल्स वाउचर एंटर करते हैं, राइट, अब मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया एंड आई सेलेक्ट एनी पार्टी और मैं इसको मूव करता हूँ एंड आई से सेल्स टैक्सेबल। और मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, आईफोन ले लेते हैं, क्वांटिटी एक ले लेते हैं। देन नाउ हेयर अगर आप एंटर मार के जा रहे हैं, तो क्योंकि ये लोकल सेल थी, जो आपकी पार्टी है विद इन द स्टेट है, तो आपने देखा CGST एंड SGST ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दिया। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग देखते हैं कि ये जिनसे आपके टैक्स के लेजर्स हैं आप पंच करते हैं और उसके बाद टैक्स। तो अगर हमारे अकाउंटेंट को ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है, उस केस में भी दिस विल बी डन ऑटोमेटिकली, राइट। सिमिलरली वी कैन बी मूविंग टू द परचेज वाउचर। अब हम एक परचेज वाउचर की एंट्री भी कर लेते हैं और से फिर हम बोलते हैं एक कोई भी परचेजेस हैं, इनवॉइस नंबर क्योंकि हमने कंपलसरी किया है आपको देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भी हम एक अग्रवाल इंडस्ट्री से कर लेते हैं एंड आई से दिस इज इंटरस्टेट सेल्स एंड दोबारा मैं आईफोन यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्वांटिटी सिंगल
तो यहाँ पे भी इट विल बी गिविंग दी वाउचर्स ऑटोमेटिकली, राइट। नाउ आफ्टर दिस जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी, यहाँ पर वाइल वी हैव अपडेटिंग, अब आपको बल्क में जीएसटी एंड नंबर्स अपडेट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप क्लिक कीजिए, जितने भी आपकी पार्टीज हैं जहाँ पर जीएसटी एंड नंबर हैं या नहीं हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, एंड यू कैन पंच इट राइट हेयर। अगर आप चाहें तो इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए और आप इसको अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कोई कॉपी पेस्ट करके भी अगर आप करना चाहते हो, या अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 07 and this will be I say update and it will be updated automatically into tally. Similarly HSN code and service accounting code भी आप एक बारी में ही अपडेट कर सकते हैं, and whether or not GST is applicable और उसका रेट क्या है वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, right? Similarly कुछ ऐसे heads होते हैं जैसे rent या बाकी और जितने भी हेड्स हैं उनका भी वेदर आर नॉट उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है और किस रेट से एप्लीकेबल है, तो आप एक सिंगल स्क्रीन पे ही अपडेट कर दीजिए या एक्सेल से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, तो ये फंक्शनैलिटी भी आपको वेबटिल प्रोवाइड करता है इन टैली। अब यहाँ पर टैली डिफरेंट हेड्स की कहाँ कहाँ आपका टैक्स लगा हुआ है, अगर आप आइटम्स के ऊपर या लेजर अकाउंट्स के ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप टैक्सेबल सेल्स टैक्सेबल या इनके ऊपर कुछ भी स्पेसिफाई करें, क्योंकि टैली आपको दोनों फंक्शनैलिटीज देता है, बट वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो डिसिप्लिन अकाउंटिंग के लिए आपको वहां डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप समझते हैं कि ओके कहीं पे भी आपको चेंज करना है तो आप जस्ट यहां पे क्लिक कर लीजिए और यहीं से भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी में, देर इज अ कॉन्सेप्ट जहां हम बात करते हैं कि आपको जितने भी आपके एडवांसेस हैं उसके ऊपर आपको टैक्स जब आप एडवांस रिसीव करते हो उसी समय देना है, टैली भी इसकी फंक्शनैलिटी देता है। बट प्रैक्टिकली आप समझिए कि आपको 1 जुलाई में कोई भी एडवांस रिसीव हुआ तो लॉ आपको कहता है कि आपको उसके ऊपर टैक्स काट लेना चाहिए, टैली भी उसकी फंक्शनैलिटी देता है, बट यू नेवर नो कि वेदर और नॉट आप उसको नेक्स्ट 3 या 4 दिन में या विद इन ए वीक और विद इन 10 डेज आप उसको बिल कर देंगे, उस केस में आपके बिल के ऊपर भी वो टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोस केसेस आप 2 बार टैक्स दे दें। तो वेबटेल ने इसको कैसे टैकल किया है, हमने आपको यहाँ एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी, वो क्या सिग्निफाई करती है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने ये एडवांसेस रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द मंथ और उसमें एडजस्टमेंट हो गई है दिस अमाउंट की, और ये बैलेंस अमाउंट है सिर्फ इस अमाउंट के ऊपर ही आपको टैक्स देना है, राइट। यानी कि जो 31 जुलाई के बाद इतना अमाउंट बचा हुआ है जिसके ऊपर अभी आपको टैक्स देना है, राइट। उसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो लोगों को दिख रही है वो अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई भी परचेज करते हैं, और एक रिसेंट चेंज अभी आया है कि अगर आपने कोई भी परचेज की है बट पर डे की लिमिट है 5,000 रुपीज, तो पहले ये और एक ये भी बात हो रही थी कि आपको हर एंट्री के ऊपर आपको एक इनवॉइस रेज करना होगा, सेल्फ इनवॉइस होगा वो आपके लिए, तो वो सेल्फ इनवॉइस कब बनेगा, वेदर नॉट हम उसको उसी एंट्री में करेंगे या किसी और एंट्री में करेंगे, तो हम आपके लिए क्या सोल्यूशन लेके आए हैं, यहाँ देखिए अगर हम इसको क्लिक करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज, तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल गई उन परचेज वाउचर्स की, जनरल वाउचर्स की और पेमेंट वाउचर की, जिसके ऊपर यानी कि रेंट के ऊपर टैक्स तो बनता है, कटना चाहिए, राइट, बट जो मेरी पार्टी है वो अनरजिस्टर्ड है तो इतना रेट से आपको टैक्स आना चाहिए, राइट। हम एक एंट्री और करके देख लेते हैं, अभी यहां पे मान लेते हैं एक हम अकाउंटिंग वाउचर और डाल देते हैं, अगर आप पेमेंट के थ्रू जा रहे हैं वाउचर एंड आई से पेमेंट वाउचर एंड आई से मैंने किसी भी बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर दी और या कैश से मैंने पेमेंट कर दी एंड आई से
rent, and I say 18,000 rupees. This voucher has been saved. और rent के ऊपर हम जानते हैं कि हमने already configuration की हुई है. If I go to Webtel GST, so you can see कि यहां पर पार्टी नॉट डिफाइंड है और रेंट की है. आप चाहो तो यहीं से इसको ड्रिल डाउन में देख भी सकते हो. तो यहां पर ऑटोमेटिकली वेबटेल इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देगा और हमारे सॉफ्टवेयर में पुल कर लेगा. अकॉर्डिंगली आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज फंक्शनैलिटी, वेबटेल और भी बहुत फंक्शनैलिटीज एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न इज प्रोवाइडिंग, बट लार्जली जो मुझे लगता है कि पेन पॉइंट्स रहने वाले हैं, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम इन आर सॉफ्टवेयर. और टैली के लिए हमने अलग से काम इसलिए किया है क्योंकि टैली का एक बहुत बड़ा यूजर बेस है और वेबटेल की एसोसिएशन भी है टैली के साथ, और हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी यूजर को उसके अंदर कोई भी इशू नहीं आए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And we would be looking for all the suggestions. या अगर आपको लगता है कोई और improvement हम इसके अंदर कर सकते हैं, so we will be happy for that. Thanks a lot and happy.